न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जमशेदपुर में विभिन्न निजी स्कूलों में लगभग 2000 छात्र फेल हुए हैं या छात्र कक्षा 9 और कक्षा 11 में फेल हुए हैं। इनमें से एग्रीको के तारापुर स्कूल, टेलको के हिलटॉप स्कूल, बिष्टुपुर के नरबे राम हंसराज इंग्लिश स्कूल और कदमा के आइडियल सनशाइन स्कूल ने एसडीओ पारल सिंह के कहने पर फेल छात्रों को रीटेस्ट का मौका दे दिया गया। इससे खुशी होकर शुक्रवार को अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावक एसडीओ ऑफिस पहुंचे और एसडीओ पारल सिंह को सम्मानित किया। इससे पहले साक्ची के राजेंद्र विद्यालय और बर्मा माइंस के केरला पब्लिक स्कूल भी फेल छात्राओं को रीटेस्ट हो चुका है, लेकिन बाकी स्कूल मामला ये था कि जो चार स्कूल के मामले अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए थे, जो बच्चे 9 और 11 क्लास में जो डिटेन किए गए थे, इसमें हिल टॉप स्कूल था, तारापुर एग्रीको स्कूल, नरबे राम हंसराज स्कूल और एडियल सनशाइन, इन चारों स्कूलों द्वारा अभी तक फैसला नहीं हुआ था कि इन बच्चों को रीटेस्ट का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जो है एसडीओ मैम का सहयोग रहा, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी का इसमें काफ़ी सकारात्मक सहयोग रहा, हम उनको साधुवाद देते हैं, और जिसका नतीजा है कि बच्चों को जो है रीटेस्ट का, इन चारों स्कूलों में बच्चों को रीटेस्ट का मौका दिया गया है। और उसी के बिहाव में जमशेदपुर अभिभावक संघ आज अभिभावकों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी जो एसडीओ मैम हैं उनको सम्मानित करने के लिए आया है, और उनका जो हमेशा सहयोग हमें मिला है और आगे भी हम मिलता रहेगा, इसकी हम कामना करते हैं। क्या लगता है अगर इन बच्चों को इस तरह से गाइडलाइन नहीं मिलता या सहयोग, तो इन बच्चों का भविष्य क्या होता? नहीं, अगर ऐसे सहयोग नहीं मिलते तो बच्चे कहीं ना कहीं तो लड़खड़ाते ही और लड़खड़ा के जो है अपने को मायूसी महसूस करते हैं, फिर रिपीट करने की बात करते हैं या कहीं और दूसरे जगह एडमिशन लेते हैं। तो कम से कम इनको मौका मिला है, हम लोगों ने भी इनको बूस्टअप किया है कि आपको जो 15 से 16 दिन का जो समय मिला है, आप अपने को प्रूव कीजिए, अपनी कैलिबर को प्रूव कीजिए कि स्कूल ने पहले हमारे साथ जो किया था वो गलत था, अभी हमने प्रूव कर दिया, अब हमें बताइए कि हम कहाँ गलत थे। कितने बच्चे थे इसमें? देखिए, पूरे जमशेदपुर के स्कूलों को मिला दिया जाए तो 2000 से ज़्यादा की संख्या में बच्चे डिटेन किए गए थे, 9 और 11 क्लास को मिला दिया जाए, और सभी स्कूलों ने इसमें मौका दिया है, और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे प्रूव करेंगे अपने को, काबिल है सभी बच्चे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ये बच्चे थे, इन लोगों का भी फर्स्ट टर्म के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वो बच्चे थे जो लोग पिछले टर्म में मतलब नहीं सफल हो पाए थे, तो इस बार ये लोग फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो उसके लिए उनके अभिभावक मतलब थैंक यू कहने आए थे, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस बार पढ़ के अच्छे नंबरों से पास हों। कितने बच्चे ऐसे थे मैम जिसका कि मतलब फेल हो चुके थे, कहीं ना कहीं वो निराश हो चुके थे? देखिए, दो चार स्कूल्स के बच्चे थे, एक राजेंद्र विद्यालय था, केरला समाजम था और DBMS था, तो सभी में हम लोगों ने उनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जो भी बेस्ट सोल्यूशन था सब लोगों को प्रोवाइड कराया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बच्चे अब पूरी मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। आज अभिभावक संघ आपसे मैं मिलने आए थे आपको वेलकम करने के लिए, तो उसमें क्या कुछ? उसमें बस उन लोगों का यही धन्यवाद उन लोगों ने दिया, और बाकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, पूरी मेहनत करें, क्योंकि देखिए कोशिश तो हम लोगों की तरफ से हुई है, लेकिन अब बच्चों को भी उतनी ही मेहनत से और उतनी ही लगन से पढ़ना होगा, क्योंकि उसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब बार बार अगर इस तरह का होता है तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे उन लोगों की लड़ाई टफ ही होती जाएगी, ये तो सिर्फ शुरुआत है, 10th 12th है, तो अगर आगे बच्चों को निकलना है तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही चीज़ें हम लोग बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे, पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर रहे थे, कि क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया है, जितना ज़्यादा इन लोगों के पास ऑप्शंस हैं, जितनी तरह की चीज़ें हैं, उसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो पेरेंट्स को भी और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक तरफ का ही मैटर नहीं है, मैटर दोनों तरफ से है कि बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, जिस पे पेरेंट्स को भी उतने ही लगन से बच्चों के संग लगना पड़ेगा और बच्चों को भी पूरी मेहनत से पढ़ना होगा। थैंक यू।